आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते हुए वन विभाग के उड़न दस्ते ने ट्रैक्टर ट्राली व चालक को मौके से पकड़ा। जतारा में लंबे समय से वन क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कर रहे चालक को अवैध रेत सहित ट्रैक्टर ट्राली सहित मौके से पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा वैभव सिंह चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि वन परिक्षेत्र जतारा अंतर्गत बीट पलेरा दो दक्षिण क्षेत्र में जंगल में नाले से अवैध रेत का अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्राली चालक को मौके से पकड़ने में सफलता हासिल की है। ट्रैक्टर चालक का नाम जितेंद्र खंगार निवासी पलेरा उम्र 23 साल बताया गया है। वन परिक्षेत्र जतारा अधिकारी वैभव सिंह चंदेल ने बताया कि वन मंडल अधिकारी टीकमगढ़ के निर्देशन में उप वन मंडल अधिकारी के मार्गदर्शन में वन क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज पलेरा क्षेत्र में नाले से एक ट्रैक्टर ट्राली का चालक रेत का अवैध उत्खनन कर रहा है, जिस पर उड़नदस्ता टीम जतारा एवं पलेरा की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी जितेंद्र खंगार को ट्रैक्टर ट्राली सहित सब पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये माननीय महोदय वनमंडल अधिकारी टीकमगढ़ जी और वनमंडल अधिकारी टीकमगढ़ के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री वैभव सिंह चंदेल जी के निर्देशन में बीट पलेरा नंबर 2 के वन क्षेत्र से मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों ने जो एक ट्रैक्टर पकड़ा है नीले कलर का। ये इसमें जो चालक था, चालक को भी गिरफ्तार किया गया। चालक का नाम जितेंद्र खंगार है। ये पलेरा से जो कुछ DFO साहब के मार्गदर्शन में ये सूचनाएँ मिल रही थी कि वन भूमि से जो ट्रैक्टरों का बालू का रेत उत्खनन हो रहा है, उसकी सूचना मिलने के आधार पर ये कार्रवाई की गई है और आगे भी वन विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। इसमें जतारा का उड़न दस्ता और पलेरा का समस्त स्टाफ इस प्रक्रिया में सहयोग किया। क्या कार्रवाई? ये एक ट्रैक्टर को जब्त किया मैं रेत के और एक आरोपी को। ये वन अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई इसमें की गई है, बाकी जांच जारी है अभी।